विषय शहर में एक नासूर की तरह है और लोग जो है काफी दिक्कतों में है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो काफी लंबे समय से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है, लेकिन अब जो है प्रक्रिया प्रशासन द्वारा शुरू की गई है कि जो धोखाधड़ी की इमारतें हैं उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और जो बिजली है और पानी के जो कनेक्शन है उन्हें काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में कई संस्था और कई पार्टी जो है इसका जमकर विरोध भी कर रही है, जिस तरीके से जो कि नाइंसाफी की जा रही है ऐसा कहना है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से जो इसके आगे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में भाजपा और आरपीआई द्वारा जो है 25 तारीख को एक मोर्चा रखा जा रहा है, जिसमें जो है नोटिस जो प्रशासन द्वारा भेजे जा रहे हैं, जिस तरीके से जो धोखाधड़ी की इमारतों के हालात है उसको लेकर जो है मोर्चा होने वाला है। तो हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जमनू पुरुषवानी जी मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है इसका विरोध प्रकट किया जाएगा आने वाली 25 तारीख को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला और आरपीआई आठवलेगढ़ उल्लासनगर जिला की तरफ से 25 तारीख को 11 बजे गोल मैदान भगवंती नवानी स्टेज प्रभाग समिति क्रमांक 1 से एक विशाल मोर्चा निकाला जाएगा जो उल्लासनगर महानगर पालिका तक आएगा, जिसमें हमारे कई आमदार, हमारे कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इसमें हमने ऐसी बिल्डिंगें जिनका लाइट और पानी कट किया है और ऐसी बिल्डिंगें जिनको ऑडिट करने का नोटिस दिया है और ऐसी बिल्डिंगें जिनको ऑडिट करने के बगैर ही उनके खाली करने का नोटिस दिया है, उन सभी को हमने आह्वान किया है कि इस मोर्चे में आप अवश्य अवश्य आएं, क्योंकि सरकार प्रशासन शासन जो भी कर रहा है एक ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहा है। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग को देखा भी नहीं है और जो उनके कंप्यूटर में कई सालों से सेव है उनको नोटिस दिए गए हैं। नोटिस की शिकायतें बहुत आ रही हैं। ग्राउंड बना हुआ जो पतरे का घर है उनको भी ऑडिट करने का नोटिस दिया गया है जो मेरे पास है। ऐसी बिल्डिंग जिसको तोड़ करके खाली कर दिया गया है, जहां मैदान है उसको भी ऑडिट करने का नोटिस दिया गया है, और जिनके पानी और लाइट काटे गए हैं उनको विजिट तक नहीं किया गया है, उनको ऐसे ही कैटेगरी में रख दिया है कि वो 2B के कैटेगरी में आते हैं और 2A की कैटेगरी में आते हैं या C1 की कैटेगरी में आती है, इसका निर्णय कौन लेगा? कोई इंजीनियर नहीं है, कोई ऑडिटर नहीं है, किसने रिपोर्ट चेक नहीं की, सिर्फ हमने आंखों से देखा और हमने उसको कैटेगरी में डाल दिया, ये नियम नहीं है। अगर कोई एक आदमी फटे पुराने कपड़े, जूने कपड़े पहन के घूम रहा है, इसका मतलब नहीं एक की नहीं कि वो भिखारी है। तो हमने शासन से निवेदन किया है कि आप 4 ग्रुप बनाएं, कमेटियां बनाएं, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑडिटर हों, इंजीनियर हों और कुछ आपके अधिकारी हों, प्रभाग अधिकारी हों, जो एक एक बिल्डिंग पर जाकर के उसको अपने ध्यान से ढंग से देखें, चेक करें, या उनको ऑडिट करने के बाद कोई भी निर्णय लिया जाए। और जब तक यह निर्णय नहीं होता है, हाँ ठीक है 126 बिल्डिंगों का आपने लाइट पानी काट दिया, हो सकता है चेक करने के बाद 10-15 बिल्डिंग हो जिनका लाइट पानी कटे, लेकिन वो 100 लोग, उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिनको बिगड़ देखे उनके लाइट पानी काटे गए हैं। इसके लिए हमने माननीय आयुक्त से निवेदन किया है कि सभी के लाइट पानी के कनेक्शन ज्वाइंट किए जाएं और स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद वो जिस कैटेगरी में आते हैं वैसा निर्णय लिया जाए। लाइट और पानी काटना, इस प्रकार लोगों को घर से बेघर करना शहर में ठीक नहीं है। हमने ट्रांजिट कैंप के लिए भी निवेदन किया है कि ऐसा उल्लासनगर शहर है जहां पर ट्रांजिट कैंप नहीं है, कम से कम 1000 प्लेटों का ट्रांजिट कैंप बनना चाहिए। 100 करोड़ की मांगनी हमने की है महाराष्ट्र शासन से उल्लासनगर महानगर पालिका को, भले 25-25 करोड़ करके हर वर्ष आए और 10 करोड़ हम महानगर पालिका के खर्च करेंगे और 300-400 फ्लैट हर साल में हम बनाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम हमारे रहवासियों को, गरीब लोगों को ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट कर सकें और उन्हें 1-2 साल ट्रांजिट कैंप में रहने का मौका दें, ताकि वो अपने घर की रिपेयर कर सकें, मरम्मत कर सकें, अपना घर बना सकें या रीडेवलपमेंट में जा सकें। आज ऐसी स्थिति है, लाइट पानी कटे होने के बाद भी लोग वहीं पर सो रहे बेचारे, उनके पास पैसा नहीं है। आज कोरोना की ऐसी स्थिति है कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो डिपॉजिट और भाड़े के लिए कैसा होगा? तीसरा भी निवेदन हमने किया है कमिश्नर को, या तो फिर आप लोगों को 5-5 हजार, 7-7 हजार महीने के हिसाब से 1 साल भर का भाड़ा दीजिए, ताकि वो लोग भाड़े पर जाके रहें और फिर अपने घर को रिपेयर करें, मरम्मत करें। कोरोना के काल में हमने 20-20 लाख रुपए भाड़े की हॉस्पिटल खरीद की है, तो हमने 100-200 फ्लैट भाड़े पे खरीदने चाहिए, भाड़े पे लेने चाहिए और लोगों को देना चाहिए। जम्मू पुरुषवानी जी, जिस प्रकार से जो धोखाधड़ी की इमारतें बनी उस समय में भी कहीं ना कहीं जो कि परमिशन थी और जिस तरीके से जो काम हुआ,
प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के उस समय में जो बैठे हुए थे पद में और जो सत्ता पक्ष था, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जो है देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोतेला व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। तो फिर प्रशासन क्यों नहीं खुद इंजीनियर्स को अलॉट करती है, क्योंकि प्रशासन के पास खुद ही इंजीनियर्स नहीं है। अगर ये सब होगा, प्रशासन अपनी प्रक्रिया से करे, ना कि नोटिस निकाल के, तो उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, यह तो प्रशासन का ही काम है कि जबकि कोई काम चलता है तो उसके ऊपर नजर करनी चाहिए। काम किस प्रकार का हो रहा है, लीगल हो रहा है, इलीगल हो रहा है या घटिया हो रहा है, किस स्तर का कार्य हो रहा है। जब यह नगर पालिका थी, ये सब उस समय के कार्य हैं, और ज्यादातर तो बिल्डिंगें वही गिर रही हैं जिनको उस समय के 95-96 में जो आयुक्त आए थे, जब नई नई महानगर पालिका बनी 96 में, तो आयुक्त आए थे तो उन्होंने कुछ 50-100 बिल्डिंगों का एक स्लैब का टुकड़ा काटा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे स्लैब के टुकड़े काटे 100-150 फुट के, और वही टुकड़े गिर रहे हैं एक के ऊपर एक। अभी दो बिल्डिंगें भी जो गिरी हैं तो देखेंगे कि ऐसे पूरे के पूरे स्लैब के टुकड़े गिरे हैं। बिल्डिंग आज भी वैसे ही है, बिल्डिंग को तोड़े जाने के बाद भी टूट नहीं रही है। तो ये सब हमारे यहाँ के अधिकारियों की गलतियां हैं, और उसका रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितनी बिल्डिंगों के स्लैब काटे गए थे। ताकि हम शीश महल गिरी, उसके भी स्लैब के टुकड़े कटे हुए थे, मोहिनी पैलेस गिरी, उसके भी स्लैब के टुकड़े कटे हुए थे। तो इस प्रकार की जिम्मेदारी अधिकारियों ने लेनी चाहिए, और आज के बाद ऐसी कोई घटना घटित ना हो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की होनी चाहिए। लेकिन जो गलतियां पहले हुई थी वो गलतियां फिर से प्रशासन की नजरों के सामने हो रही है। अवैध निर्माण कार्य धरले से चल रहे हैं। आज शहर के सामने मुद्दा है धोखादायक इमारतों का, कल शहर के सामने मुद्दा होगा जो कि टेल कटिंग के, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो प्रशासन खुद ही इनको जो है तैयार करवाता है, और फिर उसके बाद उसके हो जाने के बाद नागरिकों के ऊपर उसको पूरा थोप देता है, कार्रवाई होती है। देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका में हमने कई पत्र दिए हैं, हमने 4 FSI रीडेवलपमेंट का विषय जो है उसके लिए भी कई बार आवाज उठाई है अभी भी, क्योंकि मार्जिन स्पेस जो है 20-20 फुट का चारों तरफ, तो यह छोटा शहर है, यहाँ पर लोगों को 400 वाल, 500 वाल, 200 वाल, 20-20 वाल की भी सन्नत है, तो इतनी मार्जिन में बिल्डिंग बनी नहीं सकेगी। जब प्लान पास होगा ही नहीं, बिल्डिंग ही नहीं बन सकेगी, तो कैसे ना इलीगल स्ट्रक्चर खड़े होंगे। हमने कहा है कि 1.5 मीटर की मार्जिन का अधिकार आयुक्त को दिया जाए, मार्जिन रिलैक्सेशन का अधिकार दिया जाए, और 4 FSI और रेगुलराइजेशन को फास्ट किया जाए। जैसे हमने पहले माननीय फडणवीस जी से बोल करके जो रेगुलराइजेशन का पावर कलेक्टर को था हमने आयुक्त को दिलवाया, उसकी प्रक्रिया फास्ट होनी चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम में वो होना चाहिए, डी फॉर्म मिलना चाहिए, लोगों के प्लान पास होने चाहिए, तो लीगल काम होंगे। लेकिन कुछ होता ही नहीं है। आप देखिए कितने प्लान यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। मार्जिन में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अवैध निर्माण आप पूरा का पूरा कर लो, लेकिन थोड़ी मार्जिन की अगर रिलैक्सेशन कोई मांग रहा है, बिल्डर हो या कोई अपना घर बनाने वाला हो या इंजीनियर हो, तो उनको नहीं मिल रहा है। अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग लीगल कैसे काम करेंगे? बहरहाल अब देखना है कि 25 तारीख को जिस प्रकार से जो कि मोर्चा और आंदोलन किया जाना है, इससे क्या राहत मिल पाती है धोखादायक इमारतों में रहने वाले लोगों को जिन्हें महानगर पालिका ने नोटिस भेजा है। और देखना यह भी होगा एक और शहर में धोखादायक इमारतों को बचाने की प्रक्रिया और प्रशासन की नोटिस की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के सामने ही जो है अवैध निर्माण कार्य आज भी धरल्ले से हो रहे हैं। तो देखना है कि इन दोनों चीजों को, जो कि भविष्य में आने वाली एक चेतावनी है और जो कि भविष्य और जो कि पहले गलतियां की हैं जो कि लोग गवा रहे हैं, तो उससे राहत आखिरकार कहां मिल पाएगी।